अभी हम पहुंचे हुए सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज में और आपको बताते चले कि बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है वहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोग यहां पे सड़कों पे आ चुके हैं, सड़कों को जाम किए हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, प्रशासन की आने की मांग कर रहे हैं, DM जो हैं सिवान के उनकी आने की मांग कर रहे हैं। और कोई भी, जैसे कि जो पता चल रहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी बातों को सुनने के लिए यहाँ नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के इन्हें काफ़ी मलाल है। लगातार हम 2 दिनों से क्षेत्र का दौरा हम लोग भी कर रहे हैं और वहाँ पर देख रहे हैं कि किसी तरह की जो समुचित व्यवस्था बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है, बाढ़ पीड़ित है, जो होनी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही है। लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए, क्या दिक्कत है आप लोगों को जो सड़क आप लोग जाम किए हुए हैं? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा आई हुई है और इस स्थिति में भी अधिकारी लोग फोन को नहीं उठाते हैं। इससे हम जनप्रतिनिधियों को यह जवाब देना पड़ता है जनता के बीच, और जब हमारा फोन नहीं उठाएंगे तो हम क्या प्रशासन की ओर से उनको आश्वासन देंगे और क्या बताएंगे कि प्रशासन की क्या तैयारी हो रही है, क्या हुई है। इसके लिए हम लोग ये आज सांकेतिक रोड ब्लॉक किए थे, लेकिन हम लोग का आश्वासन मिला। आश्वासन के बाद हम लोग इसको बिना कोई चीज़ बाधित किए हुए अपना वापस ले लिया। क्या स्थिति है गांव की? क्या स्थिति है गांव की? बहुत ही बुरा स्थिति है। गांव खंडित हो चुका है, पानियों से एक गांव 3-3 भाग में बंट चुका है और नाव की बहुत ही जितनी मांग है उसका 10% भी नहीं है। एक मुसेहरी गांव है जो 3 भाग में बंटा हुआ है और एक नाव है, इसकी खींचातानी हो रही है। उसी गाँव में एक आदमी मर गया, 2 आदमियों को छाना गया और वहाँ पर चारों तरफ से कट गया है गांव। उसी तरह है धोबिया घाट जो तालिमापुर में है, इधर सैदपुर है, इधर गोपालपुर कोठी चले जाइए, हर तरह की स्थिति यही है। लगभग ब्लॉक इस जिला का सबसे प्रभावित और मुख्य रूप से प्रभावित है लकड़ी नबीगंज है, जिस जहां पर मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम DM साहब से यह मांग करते हैं कि वह खुद फील्ड में उतरे और अपने नज़रों से देखें कि कहां पर क्या चीज़ की ज़रूरत है। और यहां तक जहां पर आश्वासन भी मिल चुका है वहां तक आज 72 घंटा के बाद भी आश्वासन मिला है। ये आश्वासन मिला था हमको CO के तरफ से, और CO साहब मैं एक BD से हूँ और मेरा फ़ोन उठाते नहीं है। मेरा भी इस बात के लिए दुख है कि जब प्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठेगा तो हम लोग क्या करें। ये बताइए कि कितने गांव प्रभावित हो चुके हैं और जो मदद मिलनी चाहिए क्या वो नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के आप लोग आक्रोशित हैं? नबीगंज प्रखंड टोटल प्रभावित है जी, जिसमें एक मदारपुर भी गांव है, इसमें 4 नंबर वार्ड है, पूरी तरह डूब चुका है। 4 नंबर वार्ड के सारे जनता रोड पर आकर के आक्रोशित हो गया था। वह प्रखंड विकास पदाधिकारी और CO साहब से बार बार कहने के बावजूद भी वो लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कोई भ्रमण नहीं किए, कोई देखने के लिए नहीं गए, जिसके वजह से लोगों को रोड पर आना पड़ा। आज DM साहब से बात हुई है, DM साहब आश्वासन दिए हैं कि शाम तक सारी व्यवस्था वहाँ कराई जाएगी। अगर सारी व्यवस्था नहीं कराती है, कराई जा रही है, उसके बाद फिर सारी जनता रोड पर आ जाएगी। कितनी परेशानी है चचा, और कहाँ से खाना वाना मिल रहा है आप लोगों को वहाँ पे? ना, क्या दिक्कत है बताइए? पानी से छबा पानी सन, पानी घर से ही निकलला पर पानी में जाए के बाद स्कूल पर हम पानी सन। प्रशासन या नेता होता लोग आ रहे हैं आप लोग? एको गो नेता आज तक नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है। आपके क्षेत्र के विधायक श्री सतदेव सिंह हैं, वो लोग आ रहे हैं हालचाल? वो अभी आए हुए थे, लेकिन इसके पहले नहीं, 8 दिन से कोई आ रहा है न जा रहा है, सब रास्ता भी बंद है, सब सारे मने इतने हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है कि क्या बताएं हम। क्या परेशानी है बताइए? परेशानी है कि गाय है जो पानी में खिलाना पड़ रहा है, घर में आदमी पानी घुसा हुआ है, स्कूल थोड़ा बचा हुआ है तो उसमें जा जा करके आदमी सो रहा है, रह रहा है, माल कहाँ रखेगा, बकरे कहाँ रखेगा, भैंस कहाँ रखेगा, सब चीज़ से हम लोगों की परेशानी है। बिजली भी बराबर नहीं मिल। लोगों ने जाम हटा दिया, आश्वासन आपको मिला है प्रशासन के द्वारा? जी जी मिला, बोला गया है। श्री सतदेव सिंह आए हुए थे, समझाए बताए कि जब हम आ रहे हैं वहाँ आप लोगों को देखेंगे क्या परेशानी है। स्पॉट पर DM साहब को तो आश्वासन मिला है। यहाँ पे प्रमोद जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, आप बताइए कि लोग यहाँ पे जो जाम किए हुए थे
क्या मांगे थी जिसको लेकर के लोग यहाँ पे जाम किए हुए थे और क्या आश्वासन मिला है? सबसे पहले मैं मीडिया साथियों को भी अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ये क्षेत्र का जो दुर्दशा है आप सारे प्रशासन को ये न्यूज़ के माध्यम से वहाँ तक ये न्यूज़ पहुँचाइए, खबर पहुँचाइए। यहाँ प्रशासन एक्टिव नहीं है, अलर्ट नहीं है। और मैं तो प्रतिनिधि एक तरह से चुनाव का अपना 111 गोरियाकोटी चुनाव लड़ने का तैयारी में हूँ, विधायक प्रत्याशी हूँ, तो मैं तीनों ब्लॉक में घूम रहा हूँ, ज़्यादा करके नबीगंज ब्लॉक में 90% घर बाढ़ से तबाही में हैं। और प्रतिनिधि लोगों का काम हमेशा तो झूठ बोलने का रहा है, लेकिन इस विकट परिस्थिति में अगर वो लोग झूठ बोलते हैं तो जनता के लिए एक अपराधी होखेंगे। और जनता यहाँ इतना आक्रोश में है कि कब बंद करेगी कहाँ, किसी पर भी प्रतिनिधि को कोई गारंटी नहीं है। प्रशासन भी बिल्कुल सुता हुआ है, कोई अलर्ट नहीं है। यहाँ के सीओ साहब है, उनको काम का 10% भी एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ के इतने लोग तबाही में, सबसे पहले प्रशासन और प्रतिनिधियों को दोनों को मिल करके यहाँ के लोग जो बांध पर हैं, जो पानी में डूबे हैं, सबसे पहले खाने पीने के। कुछ लोग फंसे भी हैं क्या पानी में? अभी भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। कौन से इलाके में? ये तो तीनों रो आपका ये नबीगंज का 11 पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो बचा हुआ है। हर पंचायत में अभी भी कुछ लेडीज है, बच्चे हैं जो छत पर हैं, वो अगर चल कर आएंगे तो डूबेंगे, मरेंगे। पानी ज़्यादा, आज ही जलालपुर में कल भी हमारे यहाँ एक आदमी मर गया है, कल भी मर गया है। तो ऐसे लोगों को नाव से खाना घर घर छत पर पहुंचाने का, प्लस लोग जो घर से छोड़कर रोड पर और नहर के किनारे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था जरूरी है। जो लोग स्कूल में रह रहे हैं, पंचायत भवन में रह रहे हैं, उनकी खान पान की व्यवस्था, तिरपाल का, रहने का, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। इनको इमीडिएटली सुविधा मुहैया कराना चाहिए यहाँ के प्रतिनिधियों का प्लस प्रशासन का, लेकिन ये दोनों लोग अपना हाथ पर हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। अगर कोई आता है तो झूठ बोलकर, हाँ मैंने यहाँ बात किया, वहाँ बात किया। सिग्रीवाल साहब 4 दिन पहले हमारे भोपतपुर पंचायत भवन पर आए, आम लोगों के सामने बात किए, तिरपाल भेजवा रहे हैं, SDM कृष्णा कुमार से बात किए कि यहाँ 4 जगह खाना का कैंप चलवाइए। अभी तक कोई कैंप नहीं गिरा, अभी तक उनका तिरपाल नहीं गया। 3 डेज पहले मैंने CO साहब से बात किया, वो बोले आज ही मैं भेजवा रहा हूँ, उनका आज ख़त्म नहीं होता है। तो प्रशासन बिल्कुल चुका हुआ है इसमें। आप बताइए कि कौन कौन से गाँव डूबे हुए हैं? हम तो अभी फ़िलहाल हम मदारपुर 4 नंबर वार्ड से आते हैं और 4 नंबर वार्ड 90% डूब गया है। अच्छा, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। सबसे तो पहली बात है कि हमारे यहाँ लेटरिन की सुविधा नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ 70% ये क्या बोलते हैं टॉयलेट है, मतलब यहाँ तक कि मतलब टॉयलेट से मुफ्त है हमारा ये 4 नंबर वार्ड, लेकिन किसी को अभी किसी का टॉयलेट बनाना नहीं है। सबसे ज़्यादा तकलीफ औरतों को है। आखिर पानी ज़्यादा है तो लोग कहाँ आखिर गुजर बसर कर रहे हैं? स्कूल पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहर पे हैं। आज हम लोग विवश हैं यहाँ रोड जाम करने के लिए, इसी की वजह से तो विवश हैं हम लोग। क्या चाहते हैं प्रशासन से, DM से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मुहैया कराया जाए, उन लोगों का राहत सामग्री मुहैया कराया जाए सब लोगों को। ये कौन सा चौक है? ये मदारपुर है। मदारपुर, हाँ मदारपुर है। तो बिल्कुल आपने देखा कि यही आलम है जो, हाँ बताइए क्या बताना चाहते हैं? मैं DM साहब को इस न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग तबाही में हैं इमीडिएटली कोई इनके लिए एक्शन लिया जाए। तिरपाल का, खाने पीने का इम्पोर्टेंट है, ये सभी व्यवस्था जितना जल्द से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ के स्थानीय विधायक से भी मैं यही बोलूँगा कि जिंदगी भर झूठ बोले लेकिन आज के डेट में जनता की नज़र में अपराधी हैं। कब ये लोग कहाँ आक्रोश में क्या करेंगे कोई गारंटी नहीं, इसलिए जितना आपके पास कद है आप प्रोवाइड कराइए। इस विगत परिस्थिति में सबका सहयोग की जरूरत है, आपका जितना पावर है, जितना क्षमता है, सबको खाने पीने से लेकर रहने तक का सहयोग चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स, हाँ पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके सब जाति सब धर्म के लोगों को सहयोग कीजिए। दूसरा बात ये मैं बोलूँगा कि सरकार से जल्द मांग किया जाए कि जितना भी लोगों की क्षति हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति मिले, और सरकार जो 6,000 रुपये की घोषणा की है वो जल्द से जल्द मिले सब परिवारों को। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ ये जल नल का योजना नीतीश कुमार जी का चला हुआ है, ये फेलियर योजना है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और इसमें जितना पैसा लग रहा है ये नदी नाले में खर्चा करना चाहिए। मदारपुर के बाजू में जो बाईतपुर और खवासपुर है,
खवासपुर के बगल में जो सटे हुए नदी है, हम लगातार हाँ वो नदी नदी के ऊपर मतलब बांध बनवाना जरूरी है। ये जो फेलियर योजना है इसका पैसा उसमें लगाना चाहिए ना, ये नीतीश कुमार जी का फेलियर योजना है जो जल नल का योजना है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि लगातार इधर हम दो तीन दिनों से इस बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, और आपको बता दें कि चाहे खवासपुर गाँव हो, बरवा कला के आसपास का हो, या लकड़ी नबीगंज के इलाके में लगभग सभी पंचायत का जो हाल है ये लोग बता रहे हैं कि बाढ़ से पूरी तरह से ग्रसित है, जिसको लेकर के लोग जो है काफ़ी आक्रोशित हो गए। सरकार के द्वारा जो इनको सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच सकी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं पहुँच सकी, और प्रशासन भी मदद नहीं कर रही। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जिस गाँव में संख्या ज़्यादा है और सिर्फ एक नाव की व्यवस्था की गई है, तो आखिरकार लोग कैसे शौच के लिए या फिर किसी ज़रूरी काम वश जाएंगे। तो यह जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि इसको लेकर घटनाएं भी घट चुके हैं, एक बच्चे की मौत हो गई, बता रहे हैं लोग कि कल भी एक घटना घटी, तो लगातार इधर दो तीन चार मौत हो चुकी है इस इलाके में। तो प्रशासन को चाहिए, खास करके जिलाधिकारी से हम अनुरोध करेंगे कि इस इलाके में आकर के और एक बार जायज़ा लें, बाढ़ पीड़ितों की समस्या को समझे, और जल्द से जल्द अपने जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर प्रशासन के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे कम इन तक इन बेबस और लाचार लोगों की सहायता कराएं, ताकि बाढ़ से कम इनको निजात दिया जा सके और इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। मदारपुर से एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार सीवान।